किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त लवनी चौधरी एक बार फिर से जेएल फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है गन्ना वैरायटी COPP 95। किसान भाइयों COPP 95 कैसी वैरायटी है, कितनी उसकी पैदावार है, क्या क्या उसमें कारी आते हैं, क्या क्या उसमें फंगस लगती है, क्या उसमें टॉप बोरर का अटैक है, क्या उसमें पोका बोइंग आता है, तो किसान भाइयों इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हुए आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूं और मैं आपको बताता हूं COPP 95 वैरायटी के बारे में कि वैरायटी में आपको क्या क्या कार्य करने हैं और कितनी उसकी पैदावार है। तो किसान भाइयों आजकल वीडियो पर पूरी चर्चित जो वैरायटी है COPP 95 और 11015, तो आज हम आपको COPP 95 वैरायटी के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों आप देख सकते हैं आज जो मैं पहुँचा हूँ ग्राम नकली महनाज प्रधान जी के खेत पर। तो किसान भाइयों आप वीडियो के दोनों साइड देख सकते हैं, एक तरफ जो वैरायटी है COPP 95 और एक तरफ जो वैरायटी है CO0238। तो किसान भाइयों के अगोले से भी पहचान सकते हो कि दोनों वैरायटी में क्या फ़र्क है। किसान भाइयों मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब 0238 वैरायटी आई थी तो किसान भाइयों ने उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था कि ये वैरायटी चलने वाली नहीं है, परंतु धीरे धीरे उसने अपनी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक पहुँचाया और अत्यधिक पैदावार उसने दी, जितनी वो पैदावार दे सकती थी रिकॉर्ड तोड़ बम्पर पैदावार उसने दी। किसान भाइयों ये पहली बार बोई गई COPP 95 वैरायटी है हमारी और खेतों में, यानी कि UP 11 UP 12 UP 13 UP 14 के अंदर। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि पहली बार के में ही क्या झंडे गाड़ रखे हैं इस वैरायटी ने। देखिएगा आप, अगोला बिल्कुल फ्लावरिंग की तरह खिला हुआ है ऊपर से। ये जो वैरायटी COPP 95 है क्या ज़बरदस्त इसका अगोला है और कितनी इसकी मोटाई है और क्या इसकी हाइट है। तो किसान भाइयों आइयो मैं आपको बताता हूँ विस्तार से कि इस जो गन्ने की बुआई है ये फरवरी माह में बोया गया था। किसान भाइयों फरवरी माह का बोया हुआ गन्ना है और आप इसकी हाइट देख सकते हैं, लगभग 16-17 फुट का इसमें गन्ना है और गौड़े की पत्ते की चौड़ाई देखिए किसान भाइयों, आप देखकर इस पर मोहित हो जाएंगे। इतनी चौड़ाई किसी भी अगोले की नहीं मिलती जितनी COPP 95 की है। आइए किसान भाइयों मैं आपको आगे आ जाके दिखाता हूँ कि गन्ने की मोटाई कितनी है। आइएगा मैं अपने साथी को कहता हूँ, वो अभी आपको दिखाएंगे गन्ने की मोटाई। ये देखिएगा किसान भाइयों, ये सिंगल बड 26 फरवरी को बोया हुआ गन्ना है। आप देख सकते हैं सिंगल बड से इसमें कितनी आंखें हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 गन्ने तैयार हुए किसान भाइयों। और आप ऊपर तक देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर तक, ये देखिएगा गन्ने की मोटाई। देखिएगा किसान भाइयों ऊपर तक देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, ये यहाँ पर 8 फुट है और ऊपर देखिएगा भी 4 फुट है। और जो इसकी साथे गोले हैं वो देखिएगा ऊपर तक एक बार। तो किसान भाइयों जो COPP 95 वैरायटी है इसका लगभग औसतन 90 क्विंटल प्रति एकड़ तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। किसान भाइयों अभी ये शुरुआती अवस्था में है, जब ये अपनी पीक पर आएगी उस वक्त ये रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देगी। किसान भाइयों मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके अंदर मुझे किसी भी अगोले में कोई टॉप बोरर की शिकायत दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिएगा आप ऊपर तक अगोला बिल्कुल एक जैसा है, हाइट थोड़ी ज़्यादा होने के कारण अच्छी तरीके से कैमरे से कवर नहीं हो पा रहा है। किसान भाइयों ये देखिएगा इसमें कितना हरा भरा गोला है और कोई भी किसी भी गन्ने में किसी भी प्रकार का टॉप बोरर नहीं है और कोई भी सिम्टम्स पोका बोइंग के भी नज़र नहीं आ रहे हैं। किसान भाइयों अगर इसमें कुछ आप मुझे दिखाई दे रहा है तो वो फिलहाल की अवस्था को देखते हुए पायरेलिया का अटैक है जो आपकी पाती को बिल्कुल भुरभुरी कर दी है। अगर इसमें किसान भाइयों इस प्लॉट में पायरेलिया का स्प्रे लगा दिया जाए तो यह गन्ने की पैदावार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों टॉप बोरर मुक्त पोका बोइंग मुक्त यह वैरायटी COPP 95 गन्ना बिल्कुल ऐसा है एक एक लट की बराबर। और ये देखिएगा आप इसकी हाइट। तो किसान भाइयों मैंने जो आपको अभी तक बताया है इस वैरायटी के बारे में कि इस वैरायटी में कोई समस्या नहीं है और जो इसका रिकॉर्ड दिखाया गया है, ये देखिएगा किसान भाइयों ये देखिएगा किसान भाइयों, पिछले साल यूट्यूब और उस पर फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुई थी, एक मेड़े में 1 क्विंटल 68 किलो वजन था PV95 वैरायटी का। इस
इसी के बाद से इस वैरायटी ने हाहाकार मचा दिया गया है कि सभी मिलों में यह वैरायटी पास की जाए। किसान भाइयों, अगर आप इसको सर्च करके देखोगे तो इसकी सुक्रोज की मात्रा भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास पीपी पिछाण वैरायटी उपलब्ध हो तो आँख बंद कर कर इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। बिल्कुल अगोला शुरू से लेकर आखिरी तक ऐसा दिखाई देगा जैसा इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्लावरिंग की तरह। आइए किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ इसके ठीक सामने 38 का जो प्लाट है, ये देखिएगा अगोला, ये देखिएगा किसान भाइयों, और ये ठीक इसके सामने डोल के उस तरफ ये देखिएगा 0238, ये देखिएगा बिल्कुल इसमें आग सी लग चुकी है और कोई भी अगोला सबूता नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी में टॉप बोरर लगना होता तो ये आपके सामने जो 238 वैरायटी है और आपके बराबर में COPP 95 वैरायटी है तो ये भी पूरी तरह से रोगग्रस्त होती। तो किसान भाइयों, ये रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, ये पूरी तरीके से रेजिस्टेंट है टॉप बोरर और पोका बोइंग पे। किसी गन्ने पर पोका बोइंग या टॉप बोरर दिखाई दे गया होगा गलती से, क्योंकि आसपास 90% अभी भी लोगों के पास 38 है। तो किसान भाइयों, अगर आपको किसी भाई को बीज चाहिए हो तो आप किसान से संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जल्दी ही 11.015 पर एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि उस वीडियो के माध्यम से कि 11.015 में कितना दम है, क्या वैरायटी बोने लायक है या नहीं, या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं लोग बाग कि इसमें रेड रोट की समस्या है या रेड रोट नहीं है। तो किसान भाइयों, यह है आपके सामने जो आज की वीडियो COPP 95 पर। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूँ, आज तक मैंने जितने प्लॉट देखे हैं उसके हिसाब से COPP 95 सबसे अच्छी वैरायटी मुझे देखने के लिए लगी है। तो किसान भाइयों, ये आपको मैंने चारों ओर दिखा दिया है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि कौन सी वैरायटी अच्छी है और कौन सी वैरायटी नहीं। तो आज की एक मुहिम थी हमारी COPP 95 की, आज हमने उस वीडियो को भी कवर कर लिया गया है COPP 95। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट जो रहने वाला है 11.015 का। तो किसान भाइयों, जल्दी 11.015 पर एक वीडियो बनाकर आपको देंगे किस महीने में उसकी बुआई होनी चाहिए और किस महीने में नहीं। और किसान भाइयों, लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हमसे ये चाहते हैं कि इस वैरायटी के अंदर क्या क्या डोज लगाई जाए कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।